गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूँ पटाया में, थाईलैंड में, और इस एंटरटेनमेंट के शहर की आज मैं आपको सैर कराऊंगा। मैं रोड नंबर 2 और बीच रोड, ये दोनों रोड पर मैं जाने वाला हूँ। तो फिर चलिए मेरे साथ इस पटाया शहर की सैर करने के लिए, चलिए फिर। थाईलैंड के पटाया के रोड नंबर 2, यानी एक होता है बीच रोड, और बीच रोड के पीछे वाली जो रोड है उसे सेकंड रोड कहा जाता है, उस रोड पर हूँ। जनरली ये बीच रोड और ये सेकंड रोड बहुत बिजी होते हैं। सेकंड रोड पर अच्छा शॉपिंग मार्केट है बहुत सारा, तो आपको दिखाता हूँ कि कोविड का इस पर क्या इफेक्ट पड़ा है और ये रोड की अभी क्या हालत है और क्या क्या यहाँ पर शॉपिंग के लिए है। तो सबसे पहले तो मेरे पीछे वाली एक बहुत बड़ी मार्केट थी ये फिश की, तो ये तो बंद पड़ी है। मेरे पीछे ये कुछ और शॉप है, ये भी बंद पड़ा हुआ है। सामने के बहुत सारे दुकान बंद है, रेंट पर देने हैं करके बोल रहे हैं। सामने मसाज शॉप था अच्छा वाला, मैंने यहाँ पर मसाज किया हुआ है, फुट मसाज बंद है। चलिए आगे चलते हैं।
मैं आपको इस बीच रोड की कुछ फेमस गलियां बता रहा हूं अभी मैं 13/2, ये बहुत फेमस गलियां है। जब आप यहां पर आओगे तो इन सारी गलियों में जाइए 13/1। फिलहाल तो बहुत सारी चीज़ें यहां पर बंद है, लेकिन जो चालू है वो बहुत एंटरटेनिंग है। ये सबसे पुराना बार है मेरे पीछे, पटाया का सबसे पुराना बार। जनरली आप देखें तो सोई नंबर 5 से लेकर सोई नंबर 13/2 तक के सारे सोई यानी गलियां जो है वो यहाँ पर बहुत फेमस है। तो अगर आप आते हैं यहाँ पर तो ये सारी गलियों में आप घूमिए, बहुत मज़ा आएगा, बहुत बड़ा टाइम पास होगा आपका। अगर कुछ सीरियस टाइम पास करना है तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैं तो आपको यहाँ पे सिर्फ ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन देने का काम करूँगा, ये सारा कुछ दिखाने का काम करूँगा। एन्जॉयमेंट करना मेरे शेड्यूल में बिल्कुल नहीं है, ना ही मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरे हॉबीज़ और मेरा पागलपन अलग है। मेरा पागलपन है घूमना और आपको मेरे साथ घुमाना। तो यहाँ पर तो मैं खुद तो ज़्यादा चीज़ें कुछ करूँगा नहीं, उतना टाइम भी नहीं है मेरे पास। लेकिन टेम्पटेशंस बहुत होते हैं यहाँ पर हर एक के लिए, अच्छे अच्छों की विकेट यहाँ पर गई है। तो लेकिन ये थाईलैंड नहीं है, अगर आप सच में देखें तो ये थाईलैंड नहीं है, ये तो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया है। ऐसे एरिया तो हर एक सिटी में है, भारत में हर एक सिटी में है, पूरे वर्ल्ड में हर एक सिटी में ऐसे एरियाज है। तो ये एक्चुअली थाईलैंड नहीं है, थाईलैंड इसके बहुत पार है। यहाँ पर ये एंटरटेनमेंट का जो एरिया है ये सी बीच से लेके अंदर तक 1-2 किलोमीटर तक है सिर्फ, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं है। अंदर एक अलग थाईलैंड बसता है, अंदर एक अलग सी सिटी बसती है, एक टिपिकल थाईलैंड आपको देखने को मिलेगा अंदर। तो ये आप थाईलैंड ऐसा ही है, यही थाईलैंड है ऐसा प्लीज़ मत समझिए। थाईलैंड को समझने की कोशिश करिए, थाईलैंड बहुत अलग है। तो दोस्तों कैसा लगा ये स्ट्रीट व्यू पटाया का? अब आपको पता चल गया होगा कि कौन से शॉप्स अब चालू है, कौन से बंद पड़ गए हैं, कौन से होटल चालू है, कौन से बंद पड़ गए, और क्या क्या नया हुआ है इस पटाया रोड पर। बीच रोड का तो अलग नज़ारा है, लेकिन यहाँ का सेकंड रोड का अलग नज़ारा है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा काम का है, या फिर शायद कोई आपके जान पहचान में से कोई पटाया जाने वाले हैं और उन्हें ये थोड़ा सा मदद कर सकता है, अगर ऐसा आपको लगता है तो प्लीज़ अभी के अभी ये वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर अब तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी के अभी कर दीजिए सब्सक्राइब। अब ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, मिलता है हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।